दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरे पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों यूपी में एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री संपदा योजना, जैसे प्रधानमंत्री संपदा योजना है पीएमएसवाई, ऐसे सीएमएसवाई है। तो मैं किसान भाई की रिक्वेस्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर वो गाँव का पोखर कम्युनिटी पोंड ले रहा है, ये योजना केवल उन्हीं पे एप्लीकेबल है और उस पे आपको इनपुट कॉस्ट या मछली पालने के लिए 40% अनुदान यूपी सरकार दे रही है। हो सकता है कुछ बाकी स्टेट्स भी यूपी को देख के स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जब आप कोई पोखर फाइनल कर रहे हैं, उसको लीज पे ले रहे हैं और आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं सीएमएमएसवाई योजना में, तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो ओनरशिप लीज की आपकी होनी चाहिए, चाहे वो एक मतलब अगर 2 हेक्टेयर से बड़ा है तो समिति के नाम होगा और 2 हेक्टेयर से कम है तो किसी इंडिविजुअल के नाम होगा, तभी आप उस योजना में एप्लीकेबल रहेंगे। और योजना के साथ साथ आपको भी जब भी कोई आप पोखर लें, इन 4-5 बातों का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपने पोखर तो ले लिया है क्योंकि वो चीप प्राइस में मिल रहा था आपको, मात्र 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उसका गवर्नमेंट की लीज है। लेकिन अगर आपने उससे कोई पैसे जनरेट नहीं करे, उसमें एक्वाकल्चर नहीं करा, तो वो आपने लिया या ना लिया बात बराबर है। सबसे पहले ओनरशिप आपकी होनी चाहिए उसके पास। दूसरा, हमें उसकी डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें वाटर डेप्थ कितनी है और नीचे स्लज की डेप्थ कितनी है, क्योंकि हमें वो अगर वो आपको रिपेयर करके, रिनोवेट करके, रिजुनेट करके आपको तैयार करना है, तो आपको उससे आइडिया उसकी कॉस्टिंग का पता चलेगा कि आप इतनी इनपुट कॉस्ट डेवलपमेंट में लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, डेप्थ ऑफ वाटर। तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए सोर्स ऑफ वाटर, केवल उसमें वेस्ट वाटर आ रहा है या आपके पास कोई फ्रेश वाटर ऐड करने का भी सॉल्यूशन है। अगर आप कम्युनिटी पॉइंट्स में फ्रेश वाटर ऐड कर देते हो तो उसका बेनिफिट क्या रहता है, अगर गांव का पानी आ रहा है और उसमें हाई अमोनिया या सलरी आ रही है एनिमल्स की, तो वो डाइल्यूट हो जाती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सेडिमेंटेशन को लेकर, तो उसमें हम ये देखें कि वो जो वाटर बॉडी है उसका साइज क्या है, क्या उसमें कोई सेडिमेंटेशन का पोंड या सेडिमेंटेशन की छोटी वाटर बॉडी बड़े वाटर बॉडी का सबसेट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, एक स्टेप फिल्टर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने योजना में तो अप्लाई कर दिया, लेकिन योजना के लिए जब आप सीड स्टॉक करेंगे और उसमें सर्वाइवल नहीं आएगा या फीड परचेज करेंगे तो वो अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो ये मैं पोंड फार्मिंग, जो कम्युनिटी पोंड है, उसको सीएमएमएसवाई योजना से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको उस योजना का बेनिफिट लेना है और सक्सेस भी होना है, तो जब भी हम वाटर बॉडी का सिलेक्शन करें तो ये बड़ी मेन बातें ध्यान रखें, उसका साइज क्या है, ओनरशिप क्या है, डेप्थ क्या है, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, दूसरा आसपास प्लांट कितने हैं, तीसरा वहाँ पे एक्सेस क्या है। अब अगर पता चला कि वो वहाँ पे एक्सेस ही नहीं है, फ्लड एरिया में वो बह गई सारी मछलियाँ, तो फिर अगेन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सीएमएमएसवाई योजना है उसमें आपको अगर टोटल गवर्नमेंट का 11 लाख का 1 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है, जिसपे कि वो 7 लाख आपको देते हैं डेवलपमेंट, 4 लाख देते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए, तो जो 4 लाख रुपए है उसका 40% आपको एज ए सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट दे रही है, स्पेशली फॉर द कम्युनिटी पॉन्ड्स, या हम कहेंगे जो निषाद समाज के प्राणी है जो ज्यादातर उन कम्युनिटी पॉन्ड्स को लेते हैं, उनके लिए एक स्वर्ण मौका है कि वो अपनी अच्छी वाटर बॉडीज का सिलेक्शन करें और उसमें अच्छा सीड स्टॉक करके कल्चर करें, क्योंकि वो वाटर बॉडी तो आपने ली हुई है, या अगर वो डेवलप है या अनडेवलप है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मछली पालने के लिए सरकार की तरफ से अब इस पे भी अनुदान दिया जा रहा है। तो जब भी हम मछली पालन की बात करें तो वाटर बॉडी सिलेक्शन वो ही सबसे बड़ा 90% प्राइम जॉब है। तो बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, फिश फार्मिंग से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड आप यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि किसी को कोई नया टॉपिक चाहिए तो मैं कंबाइंड करता रहता हूँ, जैसे समय मिलता है तो फिर मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ। बाकी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सारे रिवर्ट्स का आपको कमेंट टाइम से मिले। धन्यवाद।